हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ वीडियो ऑन सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री विच इंक्लूड्स फोर्थ वीडियो ऑफ बेसिक्स। इसके पहले तीन वीडियो बेसिक्स पर और पहला वीडियो फंडामेंटल्स पे था। मास्क आज हम लगाए हैं आपको संदेश देने के लिए कि जब भी समाज में कोई वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए, महामारी का रूप ले ले, तो मास्क लगाना चाहिए। ज़रूरी हो तो डबल मास्क लगाना चाहिए और दो गज की दूरी बना के रखनी चाहिए लोगों से। भीड़ भाड़ अवॉइड करना चाहिए, पार्टी, समारोह, फंक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस पे टूर, ये सब कैंसिल कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सरफेसेस हम पिछले वाले वीडियो में आपको दे रहे थे और 1, 2, 3, 4, 5 सरफेसेस के बारे में आपको हम बताए थे। स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, सिलिंड्रोइड, पैराबोलॉइड, कैटेनोइड। सिलिंड्रोइड की जो ध्वनि है इसमें सिलेंडर की ध्वनि भी आ रही है, यानी ये सिलेंडर जैसा। पैराबोलॉइड, पैराबोला जैसा। कैटेनोइड, कैटनरी, कैटनरी को जनरेट करने से कैटेनोइड बनेगा। पैराबोला को, सॉरी, कैटनरी जनरेट करती है कैटेनोइड को, पैराबोला जनरेट करता है पैराबोलॉइड को। और सिलिंड्रोइड माने सिलेंडर जैसा, जैसे कि एक स्पेलिंग, एक वर्ड होता है स्फेरॉइड, स्फेरॉइड माने स्फेयर जैसा। इलिप्टिक एरिया को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से क्रमशः प्रोलेट और स्फेरॉइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड बनते हैं। खैर, अब हम सिक्स्थ सरफेस एंकर रिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये जो आप चित्रकारी टेढ़ी मेढ़ी देख रहे हैं, ये हमारे पोते ने जो है बनाई है। यश, 2 साल पूरे होने में 2 महीने अभी बाकी हैं। आइए हम लोग एंकर रिंग के बारे में पढ़ें। एंकर रिंग जो इसका नाम है, रिंग, रिंग माने छल्ला, तो सरफेस जैसा नहीं लगता है नाम से, ठीक है ना, लेकिन ये है सरफेस। टोरस शेप होता है, टोरस माने वलय, रिंग। लाइफ ट्यूब भी कह सकते हैं इसको, जब आप बोटिंग करते हो या पानी के जहाज पर चढ़ते हो तो आपको एक गोल सा रबर का ट्यूब गले में डाल दिया जाता है। उसको एक तो लाइफ जैकेट होता है, एक लाइफ रिंग होता है, लाइफ ट्यूब भी कहते हैं, लाइफ ट्यूब, लाइफ रिंग, जो भी कह लें, वही चीज़ है ये। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कर लें। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोकल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। लोकल ज्योमेट्री माने पूरे सरफेस के बारे में नहीं पढ़ते, सरफेस के किसी पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। और इसके लिए मुफीद होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस मुफीद होते हैं, ये सब आपको हम बता चुके हैं। जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में, उसको शुरू करने से पहले अभी हम ये एक इंट्रोडक्टरी जर्नी कर रहे हैं। सरफेसेस, डिफरेंट टाइप के सरफेसेस, उनके इक्वेशंस, उनका शेप, इससे आपको हम परिचित करा रहे हैं। जरूरी भी है ना, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा है एंकर रिंग, अब एंकर रिंग का इक्वेशन तो मालूम है लेकिन उसका शेप गायब है, तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। एंकर रिंग का शेप क्लियर रहेगा तो ठीक लगेगा, एक पूर्णता का आभास होता है, फील आती है ना कि जैसे हाँ भाई एंकर रिंग, या हेलिकॉइड हमने कहा तो हाँ भाई हेलिकॉइड, नहीं बिल्कुल खाली खाली से खराब लगता है। एंकर रिंग सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन है क्योंकि इसमें एक सर्किल को, जैसे मान लो जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पर एक सर्किल है, सर्कुल न, और इसको इसके चारों तरफ घुमाएंगे, इस छल्ले को इस लाइन के चारों तरफ घुमाइएगा तो क्या बनेगा, सोच लीजिए आप, वही बनेगा जो मैं बता रहा था, लाइफ ट्यूब। थोड़ा सा ये लिख पढ़ दिया जाए इसके बारे में। पहले तो हम फिगर बनाएंगे।
ये सेंटर है, इस सर्किल पर कोई पॉइंट है पी। इसके बाद ओरिजिन से सर्किल के सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल बी ले लीजिए, ओरिजिन से इस सी की दूरी स्मॉल बी, ऐसा इसे मिला दिया सेंटर से। अगर हम इसका रेडियस ए मान लें और ये वेक्टोरियल एंगल थीटा मान लें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, चलो यहाँ एन लिख दें, एन लिख दे रहा है, तो ये बगल में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सी एन बराबर होगा ए कॉस थीटा और पी एन बराबर होगा ए साइन थीटा, ठीक है ना, क्लियर। अब इस सर्किल पर जनरल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो चूंकि ये वाई जेड प्लेन में स्थित पॉइंट है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा ओ ओ एन, ओ एन माने बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना, और ये जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा ए साइन थीटा। इसी सर्किल को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाने से एंकर रिंग बनता है, जो सरफेस बनता है उसको एंकर रिंग कहते हैं, यही सब मैं अब लिखने जा रहा हूं। लेट देयर बी अ सर्किल इन वाई जेड प्लेन हूज सेंटर इज ऑन वाई एक्सिस या विथ सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट बी, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई एक्सिस पे हो गया। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट पी देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट कैपिटल पी ऑन द सर्किल आर, ऑन द सर्किल आर, वाई जेड प्लेन में पी है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा ओ एन, ओ एन माने बी प्लस, बी प्लस ए कॉस थीटा और जेड कोऑर्डिनेट होगा ए साइन थीटा, फुल स्टॉप। If this circle is revolved about z-axis, if this circle is rotated or revolved about z-axis, then the surface of revolution is called the anchor ring full stop. This toroidal T-O-R-O-I-D-A-L toroidal torus word से toroidal बना है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, टी ओ आर यू एस, टोरस माने होता है वलय, छल्ला, वलय, ठीक ना, शेप सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ differential geometry. इसकी मुलाकात टी आर वाई आपसे अक्सर होगी, किसकी,
एंकर रिंग की। इसके बाद नेक्स्ट जो सरफेस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हेलिकॉइड, और उसका पर्टिकुलर फॉर्म है राइट हेलिकॉइड। इससे भी आपकी मुलाकात खूब होगी। पिछले किसी वीडियो में मैंने कहा था कि देखो ये जो सरफेस है इनका शेप यहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हम आर्टिस्ट तो है नहीं कि 3D फिगर बना दें, इसलिए हम गूगल की मदद लीजिए। मैं मोबाइल में इन सरफेसेस को खोज के कलेक्ट किया हूँ, लेकिन अभी मैं दिखाऊँ तो साफ दिखेगा नहीं आपको, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये एंकर रिंग्स हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो है एंकर रिंग्स हैं, एंकर रिंग है ये और ये देखिए, ये सब एंकर रिंग्स हैं। अब क्लियर हुआ ना शेप इसका, ये देखिए, एंकर रिंग। ओके, और बेहतर आप गूगल पे सर्च करेंगे सब आपको मिलेगा। शेप के लिए तो भाई गूगल की शरण में ही जाइए, शेप यहाँ पे संभव नहीं है। वीडियो में मैं इन फिगर्स को नहीं अटैच कर सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा और वीडियो हमारा अपलोड नहीं होगा, इसलिए सिर्फ दिखा दे रहा हूँ बस। सेवेंथ क्रम पे हेलिकॉइड हम पढ़ेंगे। हेलिकॉइड, हेलिकॉइड बोलने से हेलिक्स की ध्वनि आती है। हेलिक्स किसी कर्व के ऐसे ऐसे रोटेट करने से और ऐसे बढ़ने से भी आगे बढ़ने से जो सरफेस जनरेट होगा उसी को हेलिकॉइड कहते हैं। हेलिक्स के लिए तो सबसे अच्छा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग एक स्पेस कर्व है ना, तो ऐसे ही हेलिकॉइड भी होता है। अभी एक दिन मैं जा रहा था तो ट्रैक्टर के पीछे एक ऐसा लटका हुआ था, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। बोला सर गड्ढा करने के लिए, अगर आप परिचित हो तो उसमें ऐसे ऐसे निकलो तो ऐसे रहता है, ऐसे वो खट 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 गड्ढा करते, वही हेलिकॉइड है। छोड़ो जाने तो तुम बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, गोल सीढ़ी देखा आपने कहीं ऐसे ऐसे, एक पिलर खड़ा हो और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हो, वो राइट हेलिकॉइड है। आप समझ जाइए, कुंडलाभ भी बोलते हैं इसको, हेलिकॉइड को हिंदी में कुंडल समझ रहे ना, कुंडल कुंडलाभ। तो इसे मैं लिखता हूं हेलिकॉइड के बारे में। अ हेलिकॉइड इज अ स्पाइरल फॉर्मिंग सरफेस, अ हेलिकॉइड इज अ स्पाइरल फॉर्मिंग सरफेस। इट इज जनरेटेड बाई अ कर्व इट इज जनरेटेड बाई अ कर्व विच इज साइमल्टेनियसली विच इज साइमल्टेनियसली रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस in the direction of the axis
विथ अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, विथ अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। तो वही जो वर्तुल घुमावदार सीढ़ी होती है ना, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। क्योंकि देखो घूम भी रही है और साथ साथ ऐसे ऐसे चढ़ भी रही है। आप सीढ़ी पर ऐसे चलोगे तो आपको दो तरह की फीलिंग होगी ना, रोटेशन की भी फीलिंग होगी और ट्रांसलेशन की भी फीलिंग होगी। यही है, हेलिकॉइड इज जनरेटेड बाई ए कर्व विच इज साइमल्टेनियसली, माने साथ साथ रोटेट भी करे ट्रांसलेट भी करे, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करे और उसी एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी करे। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ रोटेशन के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। जितनी वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है उसी गति से, उसी वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी करे, उसके दूने से ट्रांसलेट करे ना, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इन जनरल गॉसियन इक्वेशन ऑफ द हेलिकॉइड इन जनरल द गॉसियन, जिसको नेचुरल इक्वेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन भी बोलते हैं, गॉसियन इक्वेशन ऑफ हेलिकॉइड इज स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट, तीनों कंपोनेंट्स हम लिखेंगे दो पैरामीटर के रूप में, एफ ऑफ यू कॉस वी कॉमा एफ ऑफ यू साइन वी कॉमा एफ ऑफ यू प्लस सी वी, द क्वांटिटी टू पाई सी बीइंग द पिच, द क्वांटिटी टू पाई सी, इसको पिच ऑफ द हेलिकॉइड कहते हैं, बीइंग द पी आई टी सी एच, पिच ऑफ द हेलिकॉइड। हेलिकॉइड वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को कम मिलेगा, लेकिन राइट हेलिकॉइड आपको बहुत मिलेगा। सीढ़ी भी जो बनती है ना, वो राइट हेलिकॉइड है। राइट हेलिकॉइड में जानते हैं बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस हो और अब कर्व ना घूमे, अब वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जनरेटर लाइन हो, वो ऐसे ऐसे रोटेट करे चारों तरफ, समझ रहे ना, रोटेट भी करे और ट्रांसलेट भी करे ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है, देखो सीढ़ी बिल्कुल ऐसे होती है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अब हम आठवें क्रम पे उसको पढ़ने जा रहे हैं, राइट हेलिकॉइड। फिर अभी हम फिगर्स आपको दिखाते हैं, मोबाइल में हमने रखा हुआ है, गूगल से ही कलेक्ट किया है। आठवें क्रम पर, और बस ये आखिरी है, राइट हेलिकॉइड। जैसे सिलेंडर होता है फिर राइट सिलेंडर होता है, कौन होता है राइट कौन होता है, वही कंसेप्ट यहां भी है, राइट हेलिकॉइड। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि जो जनरेटर होगा वो लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, वही लिख दे रहा हूं, अ हेलिकॉइड विथ जनरेटिंग लाइन, अ हेलिकॉइड विथ जनरेटिंग लाइन, शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहा हूं, विथ जनरेटिंग लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स इक्वेशन इज स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट यू कॉस थीटा
यू साइन थीटा सी थीटा, वी की जगह थीटा लिख दिए हैं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी लिख दो। यहां पर यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, और टू पाई सी पिच, पिच ऑफ राइट हेलिकॉइड, और इसका इम्प्लिसिट इक्वेशन इसी की मदद से अगर हम बनाएं इम्प्लिसिट इक्वेशन, तो ये आएगा वाई इक्वल टू एक्स टेन जेड बाई सी, ये इसी का इक्वेशन, यही इक्वेशन है। देखो इसमें एक्स बराबर है यू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, जेड इक्वल टू सी थीटा, इंप्लाइज दैट वाई बाई एक्स कितना होगा, वाई बाई एक्स होगा टेन थीटा, है ना, और बराबर टेन और थीटा की जगह क्या लिख दिया जेड बाई सी, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन जेड बाई सी, यही है इम्प्लिसिट इक्वेशन ऑफ राइट हेलिकॉइड। चलते चलते जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ये इस फॉर्म का होता है, वेक्टर आर इक्वल टू यू कॉस वी यू साइन वी एफ ऑफ यू, ऐसा एफ ऑफ यू भी रहता है, एफ ऑफ वी भी रहता है ना, तो मैं आपको हेलिकॉइड के शेप के लिए कुछ फिगर्स दिखाता हूं। ये है राइट हेलिकॉइड, दिस इज राइट हेलिकॉइड, देखना आप, एंड दिस इज हेलिकॉइडल स्ट्रक्चर, ये सीढ़ी नहीं है जैसे अस्पतालों में स्ट्रेचर ले जाने के लिए बना रहता है ना, स्टेप्स नहीं है इसमें, ये वर्तुल, ठीक, ओके, क्लियर। और एक स्ट्रक्चर देखिए, ये दो सीढ़ी में कह रहा था, ये है हेलिकॉइडल स्ट्रक्चर, ये देखें हेलिकॉइड्स, ये ढेर सारे, इस छोटे से वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं और यात्रा अब जारी रहेगी, आगे हम धीरे 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 डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ये कौन सा चौथा वीडियो है ना, पांचवा वीडियो है, पांच वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब आगे हम इनका वीडियो देखें कि नहीं, इन सर की बातें ठीक लग रही कि नहीं, अगर ठीक लग रही आपके मन में है कि आगे भी वीडियो हम देखेंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई बात नहीं।
चूंकि अभी स्टार्ट है ये प्लेलिस्ट, बड़ी लंबी प्लेलिस्ट बनेगी। सरफेस थ्योरी बड़ा हेवी थ्योरी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल है, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।